हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक विद हेमा में। तो आज हम ऐसा नाश्ता लेकर के आए हैं जो छोटी मोटी भूख के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता है, बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही चटपटा है और बहुत ही अंदर से फ्लफी भी है, जिसे आज हमने चने की दाल से बनाया है और साथ में हरी धनिया की चटनी भी बनाई है, जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनाई है जो बहुत ही टेस्टी है। तो इसके लिए आप हमारे पूरे वीडियो को देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने एक कप चने की दाल लिया है, जिसे हमने 4-5 घंटे पहले से भिगो दिया था और ये अच्छे से भीग चुकी है। तो इसको हम अब ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए हमने एक मिक्सी का जार लिया है, जिसमें हम ये चने की दाल को डाल देंगे। तो जार हमारा छोटा है, इसलिए हम थोड़ी दाल ही पहले डालेंगे, बाद में पीसेंगे। तो इसमें डालने के लिए हमने 8-10 कलियाँ लहसुन की ली है, 3-4 हरे मिर्च लिए हैं जिनको हमने बीच से काट दिया है और इसमें डाल दिया है, 1 चम्मच हमने जीरा डाल दिया है, 1/4 चम्मच हींग डाल दी है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको हम ग्राइंड कर देते हैं। तो ये दाल हमारी पीस चुकी है, ये एकदम स्मूथ सी है और देखिए हमको ऐसी ही स्मूथ दाल पीसनी है। तो इसी तरीके से जो बाकी की बची दाल है उसको भी हमने पीस लिया है, बाउल में निकाल लेते हैं। तो इसको हमने बाउल में निकाल लिया है। इसमें हमने और चटपटा बनाने के लिए 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाला है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डाला है, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, 2 हरी मिर्च डाल दी है और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और दाल को अच्छी तरीके से फेंट देंगे। फेंटने से हमारी दाल फ्लफी हो जाएगी और जो नाश्ता हम बना रहे हैं वो बहुत ही फ्लफी, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो दाल को फेंटना भी बहुत ज़रूरी है। तो दाल को हमने अच्छे से फेंट दिया है और जो जार में थोड़ी सी दाल लगी हुई थी तो उसी में हमने पानी डाल करके थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, क्योंकि जो बैटर था वो हमको थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था। तो आपको ऐसी कंसिस्टेंसी का ही बैटर बनाना है। तो बैटर तैयार हो गया है, तो हम थाली को भी तैयार कर लेते हैं। तो थाली में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसको ग्रीस कर लिया है। आपको थाली को अच्छे से ग्रीस करना है, नहीं तो जो नाश्ता बनाएंगे वो थाली में चिपक जाएगा और अच्छी तरीके से निकल नहीं पाएगा। थाली ग्रीस हो चुकी है, एक इनो का पाउच लिया है वो डाल दिया है। इनो डाल देने से जो नाश्ता होगा वो बहुत ही फ्लफी बनेगा और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। तो इनो डाल करके हमको बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस ऐसे मिला देना है और बैटर को हम थाली में डाल देते हैं। तो थाली में हम ऊपर तक नहीं भरेंगे, बस जो जितना भी उसका स्पेस है उसमें आधा ही डालेंगे, जिससे जब नाश्ता हमारा फूले तो उसमें उसको फूलने के लिए स्पेस मिल जाए। तो हमने डाल दिया है और ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया डाल दी है। इधर हमने कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, ऊपर से एक जाली स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास ऐसा जाली स्टैंड नहीं है तो आप एक कटोरी भी इसमें रख सकते हैं और ढक्कन लगा दिया है, जिससे जल्दी से पानी बॉयल हो जाए। पानी बॉयल होने लगा है, ये जो नाश्ता हमने थाली में बनाया है इसको हमने कढ़ाई में रख दिया है और ढक्कन से ढक दिया है और 20 मिनट तक हम इसको पकने देते हैं। अब हम चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी तैयार करने के लिए हमने हरी धनिया लिया है एक कटोरी, 2-3 हरी मिर्च डाल दिए हैं, 4-5 लहसुन की कलियाँ डाल दी है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है काट करके और इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हमने आलू की भुजिया लिया है, ये 2 चम्मच आलू की भुजिया है। इससे चटनी का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है और चटनी हमारी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको एक बार डालकर ज़रूर देखिए। थोड़ा सा पानी डाल दिया है, 1/2 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है और 1 नींबू का रस डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी बढ़िया चटनी एकदम हरी हरी सी बन कर के तैयार हुई है और इधर हमारा नाश्ता भी पक गया है, 20 मिनट हो चुके हैं। हमने नाइफ़ डाल करके चेक कर लिया है, नाइफ़ एकदम क्लीन आ रहा है और इसको हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये ठंडा हो गया है तो हम चाकू की सहायता से इसके कॉर्नर को छुड़ा देंगे,
इससे कि जो नाश्ता है वो अच्छी तरीके से हमारा निकल आए और हम मन चाहे शेप में इसको हम काट लेंगे। तो आज हम इसको ट्रायंगल शेप में काट रहे हैं। आप किसी भी आकार के इसके पीसेस कर सकते हैं। तो सारे पीसेस हमने इसके कर लिए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा नाश्ता बन करके ये तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये नाश्ता पूरा नहीं बना है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए हमने तवा चढ़ाया है, तवे पे हमने 2-3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। इस नाश्ते को हमको सेकना है। अगर आप सेलो फ्राई करना चाहते हैं या डीप फ्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑयल में हमने 2 चुटकी जीरा डाल दिया है और जो नाश्ते के पीस हैं इनको हम तवा पे रख करके सेक लेते हैं। तो इनको हमने एक तरफ से सेक लिया है और पलट भी दिया है। पलटने का जो वीडियो था वो शूट नहीं हो पाया है। और दूसरी तरफ से भी इसको हम अच्छे से सेक लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल हमने ऊपर से और डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं। तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इनको हम निकाल लेते हैं। इनको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया, कितना चटपटा, कितना फ्लफी नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। और ये चटनी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही ऊपर से क्रंची है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो आप इसे शाम के नाश्ते में या फिर सुबह ब्रेकफास्ट में किसी भी टाइम इसको आप बना सकते हैं। कोई गेस्ट आए आप तब भी बना सकते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। और जो इसकी चटनी हमने बनाई है ये बहुत ही टेस्टी है, आप इसको एक बार बना के ज़रूर देखिए। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।